यार मेरे जाप दे खुदा वरगे, मैनू याद मेरे जाप दे खुदा वरगे, किसे अल्लाह दी फकीर दी रजा वरगे, मैनू यार मेरे जाप दे खुदा वरगे। जी हाँ दोस्तों, यार दोस्त मित्र हमेशा ही खुदा वरगे लगने चाहिए। जो कि प्यार होवे, गूढ़ा प्यार होवे, दिलों प्यार होवे, यारां दा प्यार तो मन्निया होया, यार तो एक दूसरे लिए जान भी दे देंगे। सो इस तक करके असी कांशी टीवी ते चाहे जिस तरह मर्जी पहुँचिए थोड़े तक पहुँच जाने हैं। और तुसी मैंने पता पूरे 8 बजे साथ जाने हो प्रोग्राम देखन नू। अपने सितारे प्रोग्राम दे विच थोड़ा सब दा स्वागत करते हैं। जी आयां नू कहांगे, जी सच के कहांगे, जी वारी कहांगे, कबूल करो, स्वीकार करो। जगदीप वालों प्यार भरी सत श्री अकाल, गुड ईवनिंग, नमस्ते, सलाम अलैकम, जय गुरुदेव, होर सुनियो की हाल चाल। इस प्रोग्राम थोड़ा निघा जिहा स्वागत करते हुए तुहानू दसांगे कि अपने सितारे प्रोग्राम दे विच साडे कोल कलाकार कलाकारा आंदे ने, म्यूजिशियंस आते हैं, पोएट्स आते हैं, भंगड़े वाले आते हैं, गिद्धे वाले आते हैं, यू नेम इट, सारे सितारे साढ़े को आते हैं। और यह प्रोग्राम नीयरली 200 कंट्रीज़ के बीच जा रहा है इस वेले। और हमेशा साढ़े को कलाकार ऐसे आते हैं जेडे गीतों थोड़ा निहाल करते हैं। और साढ़े को आज जो कलाकार पहुँचे हुए हैं, ही इज़ ग्रेट, ही इज़ वंडरफुल, He's always with the tradition close। मैं बहुत ही अच्छा लगता है जो तो इंसान कहते हैं ना, कोई फौजी अपनी फौजी वर्दी पावे ना ता ही वो फौजी पता लगता है, नहीं तो पता लगता भी फौज है वो। इस तरह ही साढ़े यही कलाकार जो तो अपने पूरी कॉस्ट्यूम चाहते हैं ना, तो सानू भी अच्छा लगता है, सानू भी जोश आता है इन्हों देख के। साढ़े वन एंड ओनली परगन भंडार जी का स्वागत करांगे। जी आयां नू कहांगे। सब तो पहला जगदीप जी कहिंदे भी तेरी मर्जी पूरी होवे मेरी जिंदगी विच खुदाया। क्या बात है, तेरी मर्जी पूरी होवे मेरी जिंदगी विच खुदाया, सबना चो तैनू देखा कोई ना दिसे पराया, कोई ना दिसे पराया। कांशी टैलीविजन के तमाम रब वर्गे श्रोतिया नू, प्यारे दर्शकों, मेरे मेहरबान दोस्तों नू, मेरे वालों जाने के परगन सिंह भंडाल वालों प्यार भरे निघी सत श्री अकाल, जय गुरुदेव, वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतह। जी अज तो बड़े साढ़े रलदे मिलते जे कपड़े हो गए है, देखो जी इदा ही लाल सूट ना पाया करो तो नजर तो बच के रहो, अच्छा तो घरों बाहर ना जाया करो। पर आना पिया और सीएन ट्रैफिक च फस गए, मैं तो क्या पहुंच नहीं होना, पर ऊपर वाले ने पहुंचाई दिता। हाँ, यू नो, सो अच्छा लगता है कि असी मैं तो ना जे मैं स्टक हो जाना कितने प्रगण जी, मैं तो पाठ करना शुरू कर दिनी। हाँ, पाठ च इन्नी शक्ति है ना, मतलब कि बयान तो ऊपर वाला वो क्रिएटिव पावर जी काम कर रही ना दुनिया च, वो ताड़ा फिर वो ताड़ी हेल्प करती है, करती है अनहद रात जड़ा वज रहा। बिल्कुल, मैं तो कहना होर की हाल चाल। मैं कहना जी चढ़ती कला बा कमाल जिंदगी गुजर रही है। मैं कहना जी भी इन्नी वधिया जिंदगी गुजर रही है भी मालिक का लख लख शुकराना, स्वास स्वास शुकराना, कोई कहने वाली गल ही नहीं। बस इंसान नू ना जो कुछ उपर वाले ने दिता है ना, ओदी रजा च रहना चाहिए। जेड़ा ओदी रजा च रह गया ना, समझो वह खुशहाल है जिंदगी विच। जेड़ा बंदा भाने दे हुक्म च रहना सीख गया ना, ओदे बेड़े पार है जी, पार है सच्ची गल। हुक्म भाने च रहना औखा बहुत आ, पर जे कोई रह जाए तो बस फिर भाई गुरु तेग बहादुर सिमरिए ते करना उहने दिया दिता। सच्ची गल है, पर कई नहीं इन्हों गलों मानते कि भी हाए ओदी रजा च क्यों, अस तो धक्म धक्की करांगे, अस तो अगे नूं होके जावांगे। बंदा सोचता, बंदा रब नूं पता की कहिंदा जगदीप जी, हाँ जी, कहिंदा जो तूं किस्म च लिखिया उहना मैं एग्री नहीं गा, जो मैं मंगदा उह दे। इसे करके दुख आउंदे आ, इसे करके बंदा उदास हुंदा। सच्ची गल, जे किस्मत दे उपर बंदा रख लवे, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਗੋਡ ਹੈਲਪਸ ਦੋਸ ਹੂ ਹੈਲਪਸ ਦੈਮਸੈਲਵਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਹੁੰਦਾ ਸਹਿਜਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੋ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਨਾ ਇਹ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਮ ਜੁੜੇ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਗੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖੇ ਸੌਖਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਗਨ ਭੰਡਾਲ ਜੀ ਦਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੱਗਦਾ ਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੀਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੀ ਬਾਰੇ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਏ ਬੜੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਔਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਉਹ ਜੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਗੀਤ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਨ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਐਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਐਸੇ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਹੋਣ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਗਾਲਮ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਸੁੱਚੇ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਡ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗੀਤ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਗੀਤ ਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਧੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤੁਕਾਂ ਇੱਕੋ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬੜੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਇੱਕੋ ਤੁਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲੂੰਗਾ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੋ ਕੋ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪੰਗਤੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਬੜਾ ਹੈ ਇਹੀ ਤਾਂ ਤਿਆਗਣ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਹੈ ਇਹੀ ਵੱਡ ਭਾਗਣ ਜੀ ਇਸੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਜਾਗਣ ਦੀ ਉੱਠੋ ਜੀ ਪੀਓ ਚਾਹਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਅਨਮੋਲ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੁਖੀ ਜੇ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੁਖੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਪਹੀਏ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇਕੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੁੱਤ ਹੈ ਦੋ ਪੁੱਤ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੈ ਜੀ 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 ਯੂ ਨੋ ਸੋ ਧੀਆਂ ਹੋਣ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਮੰਗੋ ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੈਂ ਮੁਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੰਡਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਣਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਗੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਲਾਗੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਮੰਮੀ ਬੈਠੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਭੰਡਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪੋਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਸੱਦਣਾ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਲਟਾ ਖਾਧਾ ਪਲਟਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੋਤੇ ਦੇ ਪਰਗਮ ਭੰਡਾਲ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਪੋਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੋਤਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਰੌਣਕ ਆ ਗਈ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਭੰਡਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੋਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਪੋਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੋਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਅੰਕਲ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ 'ਚ ਮਤ ਫਰਕ ਕਰੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਿਊ ਅਰਾਈਵਲਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਵੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਰਾਈਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਅਰਾਈਵ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
बेटा पैदा होंदा वह नवा आंदा, बेटी पैदा होंदी वह भी नवी आंदी, तो फर्क की है? न्यू अराइवल्स ले है लोहड़ी का त्यौहार। देखो जी जगदीप जी, एक सौखी जी गल आ, कोई दिमाग से बोझ पाउण दी लोड़ नहीं, कोई सोचण दी लोड़ नहीं। तुसीं सोचो भी जे बेटी ना होगी, लड़की ना होगी, बेटा कित्थों आ, आ दुनिया कित्थों आओ, मासी भूआ ए चाचियां ताईयां कित्थों बणनगियां। मेरा अपना परसनल ओपीनियन आ, वैसे मैं कहना भी चलो मालक हर एक नूं मिक्स फैमिली दे, एको मुंडे होने जरूरी आ, पर मेरा ख्याल आ कि मुंडिया नूं धीआं नूं ज़्यादा प्यार देना चाहिए। तियां तो माँ प्यो का ज़्यादा सोचती हैं, मुंडे भी सोचते हैं घर तियां, लेकिन बहुत प्यार कर दियाँ दिलों, उन्होंने दिलों उगड़द मुंडिया भी उगड़द, पर जो धी का प्यार है ना वह हमेशा अपने माँ बाप का सोचेगी। तियां तिरां दे नाल अंग ते साग जुड़ते मिलनी दो परिवार की करवाउण तियां, तियां घट नहीं हो अज पुत्रां तों वांग पुत्रां नाम कमाउण कमाण तियां। दोस्तों तुसीं कहना कि अज तियां की गल क्यों चल रही है, क्योंकि इन्हां दा जिहड़ा गीत है ना नवा तुसीं देखिया वह धी दे उपर इन्हां ने ज़्यादा अपना प्रमुख रख्या कि धी जदों हुंदी है ना घर च तां उहदा खुशी किन्नी हुंदी है। सो परगन जी ने बहुत ही खूबसूरती नाल इस गीत नूं गाया। परगन जी कित्थे इहदी वीडियो बनाई? इहदी वीडियो जी चंडीगढ़ दे लागे एक छोटा जिहा पिंड सी, उत्थे बनाई सी। इहदे विच जिहनां ने कम कीता उहनां वाह कमाल कम कीता। जदों अपने कुड़ी दा फादर अपने मुंडे नूं फोन करदा, उह फोन नहीं चुकदा, अदास हो जांदा, ते लड़की कुदरती मिलण आ जांदी आ। उह सीन देख के मेरे अक्खां 'च हंझू आ जांदे आ जदों मिलण आउंदी अचानक। तियां तो जगदीप जी इन्ना प्यार दिंदियां ना, तो मैं कहना जी मैनू 5 साल मेरे बच्चों ने पहला रिटायरमेंट देती, तो मैं अपनी वड्डी लड़की उहदा फोन ते पुछिया, मैं कहा भी बेटा मैं हुण कम करन दी मेरी सलाह नहीं, तो मेरा वो तो जी नहीं करता हुण भी जिद्दां। वो कहिंदी डैड अहीं तेरे 3 पोते आ, एक मनमीत सिंह भंडाल, एक सुखविंदर, एक मिंदी। कैसी गल है? बिल्कुल बिल्कुल किड्डी अच्छा किड्डी प्राउड वाली गल, सच्ची गल है। सो इहनू गाया तुसीं और लिखिया साढ़े, हाँ जी ये अपने जिंदर भंडार जी ने लाली धालीवाल साहब का मिक्स किया, ते गगी जी ने इहदी फिल्म बनाई है। फिर ऐ करो थोड़े जिहे लफ्ज़ सुनाई दो इस गीत दे। हाँ जी, पहला ती फिर जननी सारे जग दिए, बने मां ते कर्ज उतार दिए, परगन पंडाला वांग पुत्रां दे तियां नूं वी पूरा सत्कार दिए, परगन पंडाला वांग पुत्रां दे वांग तियां नूं पूरा प्यार दिए, तियां घट नहीं अज पुत्रां तों, तियां घट नहीं अज पुत्रां तों वांग पुत्रां नाम कमाउण तियां। बंद करू जो हुंदी है भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या बंद करू जो हुंदी है भ्रूण हत्या, कातों कुख विच मापे मरवाउण तियां। क्या बात है, क्या बात है। भ्रूण हत्या तो मैनूं याद आ गया, परसों प्रोग्राम सीगा संडे लोहड़ी दा साडे इत्थे लैस्टर दे विच, ते उस तो बाद जिहड़ी ऑर्गनाइजर बलजिंदर जी साडे उन्होंने मैनूं इक गल सुनाई, कहिंदी जगदीप जी आपां धीआं दी ते पुत्तां दी अज लोहड़ी पाई, प्ले भी कीता उन्होंने, ते कहिंदे मैं ना हरेक साल इंडिया जांदी आ, तुसीं आ भ्रूण हत्या दी गल कीती है, तां कहिंदे उत्थे ना इक संस्था है इक लेडी चलांदी है कि जिथे जदों कोई अपनी धीआं नूं ना सिट्टी हुंदे आ मारन दी कोशिश करदे आ किते ना किते, कहिंदे उह लेडी ना उत्थों चक लिआंदी है किसे दी उस नाल, ते जां उहनां दे उत्थे पालने च कोई पा जांदा उहनां नूं वड्डे करदी है, ते कहिंदे हरेक साल उहनां दे विआह किसे ना किसे दी उम्र दा होइआ हुंदा उहनां चों, क्योंकि जिहड़ी उह लेडी है ना उहनूं वी किसे ने सट्टिआ होइआ सी। हाए
उन्हें क्यों शुरू की संस्था कि ओदी माँ ने भी उन्हें सिटिया होया सी वो किसी फड़ा गई सी तो उन्हें यह दिल से ठान लिया कि मैं ऐसी ऑर्गनाइजेशन बनाऊँ जिथे ऐसिया धियाँ मेरे वर्गी आके पलन गियाँ। दसो दुनिया से चंगी भी है ये दुनिया खड़ी भी ता ही है ये जगदीप जी जेडे ना ये धियाँ का मारना चलिया काम ये साढ़े जेडे ना रवाज आ इथों चलिया असल जेडे दाज दहेज जां इहदे विच बहुत मैं हुण एक कुड़ी दे पे ने 700 बंदे रोटी खवा लेनी आ फिर कारां देनियां फिर दाज देने इस वड्डी प्रॉब्लम ये सी वैसे। दूजी गल मैं पुराने जमाने मैं ये आवाज करता रहा घर च मुंडे लैने कितने अपना जमीन भांडे का झगड़ा हो गया चार मुंडे हो गए डंग सुटा मार लो खड़कूगा इन्हां चीज़ों का बहुत यह चीज़ें नहीं सोचने ये है सारी नैगेटिव पर हुण अगे नाल तां काफ़ी फर्क पै गया इंडिया बहुत फर्क पै गया ये पहला पहला ज़्यादा सी अंज पर इंडिया च हले भी किसी किसी जगह पर भ्रूण हत्या हो रही है होंगी अजे होंगी अजे मल हूँ पाइता भी पढ़िया लिखा मल वर गया हम लोग चंगा सोचते हाँ जी मैं तो कहना कि ऐसा ऑर्गनाइजेशन जड़ियाँ चलिया वी शुड हैल्प दोज पीपल कि वह इन्ना सोहना काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल 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 जी जी सो अच्छा लगता है कि दुनिया च मैं कहना यह सोच के बड़ा अच्छा लगता है कि दुनिया से चंगे लोग भी है हाँ, सारे माड़े नहीं है। नहीं 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 पंजे उंगल एको जी नहीं है पर आगे नु काफी फर्क पै गया। हाँ जी, जी। एक दोस्तों परगन पंडाल जी का मैं एक गीत बहुत ही खूबसूरत लगता है जी हमेशा इन्हों पता है कि मेरी बड़ी पसंद का गीत है यह कदे कदे बंदे नु हालात भी ने मार दे मौत ही जरूरी नहीं मर जान वास्ते। परगन साहब ਜੇ ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੋਏ ਇਹ ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਬੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਪੰਡਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇ ਇਹ ਮੌਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ कदी कदी बंदे सदा ना बहारा बगी ना सदा जिंदगानियां इन्ना मजबूरियां कई रोलियां जवानियां बंदे दे करम इनू डोब दे जां तार दे ए मौत ही जरूरी नहीं मर जान वास्ते कदी कदी बंदे क्या बात है क्या बात है यू नो इस थोड़े गीत च ना बड़ी सच्चाई है जिंदगी दी। कईयां दे हालात इंसान ऐसे हो जांदे जिंदगी दे ना मरिया बराबर ना जीनिया च ना मरिया बिल्कुल बिल्कुल जी जी कई बारी कोई बीमारी भी इंज लग जाती है हाँ। ना वो जीनिया च ना मरिया च ना वो अपनी जिंदगी निगा सकते अच्छी तरह क्वालिटी हाँ। लाइफ लै सकते हैं तो ना ही मर सकते जी 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 सो इंसान नू कदे नहीं सोचना चाहिए मैं ही मैं हाँ मेरी सेहत चंगी है मैं ठीक हाँ पता नहीं कपाल छिंदा जी जगदीप जी जी ना ईगो टाइप ईगो बीमारी बहुत तगड़ी है। मैं अपनी लाइफ के बड़े बड़े बंदे जड़े ईगो करते ही अज वो अज उन्हें हालत इन्नी पतली है स्वाभाविक कोई नहीं कहदी ईगो संत महात्मा कहिंदे आ एक मन भी समागम हो रहा है तो गोरी ने क्वेश्चन किया भी हंबल कितना रहना चाहिए तो अगे संतां ने जवाब दिता कहिंदे ईगो ईगो वाली कोई है कोई ईगो वाली है नहीं कोई चीज ईगो का इलाज नहीं इलाज नहीं ईगो का इलाज यही है भी मैं भगती करो मेडिटेशन करो ये चीज़ा पंज पजाओ पर लोग भगती दे लागे नहीं आते। मैं तो क्या है ना कि थोड़ी गल के भी जिन्हें ईगो आ जाती है ना वो जिंदगी ना कामयाब नहीं होंगे और कामयाब कई बार होए होंगे ना वो नीचे गिर जाते जल्दी भी नीचे भी अक्सर तुम्हें पता जिंदगी के कीमती तो अकीमती असूल कुरबान करने माया वास्ते वो जिन्नी जिन्ने असूल कुरबान करके चीज़ा मिलदिया वो तो मुड़ के चल जाती मुड़ के फिर यह हमेशा संगीत से भी चले आ रहा उस तरह भी कि जेडे उस्ताद होंगे ना कई बार सिखाते हैं जी जी कई बार असी देखिए जेडे उन्होंने स्टूडेंट होंगे ना वो उन्हें तो अगे निकल जाते हैं गाँव हाँ देखिए तुम मैं देखिए जिंदगी हाँ जी हाँ जी हाँ जी है ना मतलब कि वह इन्ना सोहना गाने लग जाते स्टूडेंट्स कि रब की इन्नी मेहर होंगी है उन्होंने गले से कि अपने उस्ताद नालों भी
अगे चले जाते हैं। फिर कई बार ना मैं कई उस्तादों देखिया उन्होंने बड़ा वह होंगे कि भी यह किस तरह होया ये मैं जिंदगी की सच्चाई दस रही हूँ थोड़ा इतना ही है ना मैं हाँ जी तो भी वह कहें उसका भी ये साढ़े तो अगे किमें लंघ गया इन्हें तो साढ़े को सीखे डज नॉट मैटर तुम किसी को सीखे हो लेकिन फिर होगी गल आ गई ना उपर वाले की उपर वाले की पुराने संस्कार है उपर वाले की जी रजा है ना वह कुछ नहीं पता कदे नहीं इंसान को कहना चाहिए कि मैं तो इन्ने साल हो गया जी गाँदियां नू मैंने तो जी इन्ने साल हो गया जी करदियां नू पर जो आले दुआले वाले भी तरक्की कर सकते मैं जगदीप जी सारे गमां विच प्रोग्राम देख रहा है चार साल का बच्चा हारमोनियम जाके गाउण डिया और वो जो पिछे बैठे ही ना जा साहबान उन्होंने जाके उंगलों देखे उंगलों कितने बजा है सच्चे चौं साल का बच्चा हारमोनियम जाके गीत गाउण गीत गा रहा पर इंडिया से बहुत ही टैलेंट बहुत इतने उन्ना नहीं है इतने भी है लेकिन इंडिया से जिन्ना टैलेंट है ना यू नो तुम रियलिटी शोज से देख रहे हो बॉम्बे साइड कितना टैलेंट होए होए जबरदस्त जबरदस्त ऐ करो आप ब्रेक पर भी जाना एक अद्धा गीत और उन्होंने कहना अज तो दोनों जने ना महात्मा बने हुए ये थोड़े धी के गाने तो असि महात्मा बन गए अज गाना एक बड़ा मशहूर होया अजकल हाँ जी मेरे बड़ा पसंद है हाँ जी सोनिए जे तेरे नाल वाह दगा मैं कुमावा सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कुमावा तेरा बकर मैं मर जावा दुनिया तो डर के जे तैनू छड जावा ते अल्लाह कर मैं मर जावां सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कुमावां ते अल्लाह कर मैं मर जावां क्या बात लबनी नी तेरे जही चीज जहान ते सौ तैनू देंदा हाथ रख के कुरान ते लबनी नी तेरे जही चीज ए जहान ते सौ तैनू देंदा हाथ रख के कुरान ते कदी वी जे तेरे कोलों पला मैं छुड़ावां कदी भी जे तेरे कोलों पला मैं छोड़ावा ते अल्लाह कर मैं मर जावा सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कुमावा ते रब कर मैं मर जावा वाह वाह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आज बड़ी नवी चीज सुनाई है तुसी परगिन साहब सो यू नो बहुत अच्छा लगता है मैं नवी नवी चीज लगे खोज करता रही हां आप ब्रेक ले ली छोटी लो दोस्तों छोटी जी ब्रेक पर जा रहे हैं ब्रेक तो बाद सब का स्वागत करांगे जी आए नू कहांगे जी सद के कहांगे जी वारी कहांगे दूर ना जाना जस्ट स्टे ऑन कांशी टीवी चैनल 772 ते असी थोड़ा इंतजार करांगे क्योंकि एक ऐसा कलाकार अज साडे कोल कांशी टीवी दे वेड़े च आए हुए अपने सितारे प्रोग्राम च आए हुए जिहड़े हर तरह का थोनू रंग सुनाएंगे और थोड़ा पूरा मनोरंजन करेंगे सो बस असी गए तो आए तुसी भी चाह शाह पी लो असी भी पानी धानी पी लिए और क्योंकि भजदे नठदे आए हैं बस पुछो ना स्टे ट्यून विल बी बैक रियली रियली सून कहिंदे करदा होवे जो कोई प्यार तां उसकी रजा करनी चाहिए है उसकी इज्जत करनी चाहिए है उस नाल प्यार करना चाहिए है मनप्रीत औलख ने बहुत ही खूबसूरत लफ्जा नाल कहा करदा होवे जो कोई प्यार करदा होवे जे कोई प्यार सानू रखनी चाहिदी है अदार कोई करदा होवे जे सानू प्यार सानू की थोनू भी सारयां नू जदों प्यार दी गल होवे ना तां प्यार नू प्यार ही करना चाहिदा प्यार जो करदा होवे उसनू नफरत नहीं करनी चाहिदी नफरत जिथे आ गई ना लफज़ जिथे ऐसी चीज़ां आ गईयां ना तां दैट्स इट सारी दोस्ती खत्म सारी मित्रता खत्म मित्रता तो मैं शुरू कीता सी इह प्रोग्राम कि दोस्ती मित्र प्यार नाल होने चाहिए ना कि अंदरों कुछ बाहरों कुछ उस जिंदगी का मज़ा ही नहीं है उस दिन ना तुम कदे भी किसी ने देखोगे कोई इंसान जो अंदरों कुछ है बाहरों कुछ है ना उसकी शक्ल ही बिगड़न लग जाती है तुम शीशे खड़ के ना जो तुम अपनी सच्चाई पर चलोगे ना शीशे थोड़ी बड़ी खूबसूरत शक्ल दिखेगी
जे थोड़े दिल च माड़ा है ना तो शीशे च देखोगे ना थोड़ी अपनी ही शक्ल बहुत ही बुरी लगन लग जाती है अपने आप को। सो जिंदगी असं भी सारे नाल ही हाँ, जिंदगी सच्चाई तो प्यार नाल चलो बड़ा ही अच्छा लगता है। ब्रेक तो बाद एक बार फिर थोड़ा स्वागत करांगे, जी आए नू कहांगे, जी सद के कहांगे, जी वारी कहांगे, कबूल करो, स्वीकार करो। जगदीप वालों गुड इवनिंग, नमस्ते, सलाम अलैकुम, ते बड़ी प्यार भरी सत श्री अकाल, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। होर सुनियो की हाल चाल। अज आपने सितारे प्रोग्राम दे विच साडे कोल आए हुए ने बड़े ही ट्रडिशनल गायक, बड़े सालों तो गा रहे ने, वन एंड ओनली परगन पंडाल जी का असी स्वागत करांगे। वेलकम बैक जी। प्यार जी आप कोई अमृत है नहीं, नफरत वर्गी जहर नहीं, क्यों शक्कर जा नाता है नहीं, अट कुते जा वैर नहीं, क्या बात, रलिया वर्गा एक है नहीं, खिलर गया दी खैर नहीं, खिलर गई गल तूड़ी वर्गी, वाल गया उड़ जानी, जे गल विगड़ गई मुड़ के सूत नहीं, सूत नहीं आनी। ये करके बंदे नू प्यार नू ज्यादा पहरा देना चाहिए, नफरत दी को नू भजाओ। और परगन जी इतना ना कहते ना बंद मुठ्ठी हजार दी, जेड़ा खुल गई बिल्कुल कंगाल दी, और जेड़ा रेत है ना, जेनू रेत है ना, जे ओनू आपां बंद करके रखिए, जिन्ना चिर मुठ्ठी बंद है ना हाँ। वो रेत अंदर रहिंदी है जी, जेड़ा खुल जाए वो खिलरनी शुरू हो जाती हो जाती है ना। यही घर है, यही चीज़ है घर च, फैमलिया च, थोड़ी रिश्तेदारिया च, जो तो एक बार खुल गई ना फिर वो गल नहीं बनती, नहीं बनती, फिर वो रेत तुम चक नहीं सकते। हाँ नहीं, वो जगदीप जी अजकल पता नहीं गल की आ, एकता वे जिनी बरकत ना, मैं कहना ये रीस नहीं, पर अजकल लोग थोड़ा कला कला ज रहना लाइक करते हैं। एक तो कोविड तो बाद भी इंज का कुछ हो गया कि हो गया। कोई किसी ने मिलता ही नहीं, मिलता ही नहीं, यू नो घर तक ही जाना किसी के, फिर बाहर ही मिलते सारे। हाँ सो ताहिं मैं कह रही भी जिस तरह कोई भी फंक्शन रखते हैं ये वो जाना चाहिए, क्योंकि ना नहीं तो तुम घर बैठ के बीमार हो जाओगे जो अपने आपको बहुत कला महसूस कर। हाँ बिल्कुल। सो कुछ भी जो कोई ऑर्गेनाइज करता है ना ए बी सी कोई भी, हाँ, तो जाना चाहिए, जरूरी जाना चाहिए, थोड़ा मनोरंजन होंगे। हाँ उत्थे जाके तुसी कईयां नूं मिलदे हो, कईयां दे मत्थे लगदे हो, हाँ, थोनूं पता लगदा किहड़े जींदे आ किहड़े नहीं जींदे। नहीं जी, घट्टो घट कम्यूनीकेशन हुंदी आ, तुसी दिल दी भड़ास कढ़दे आ, गल्लां करदे आ, हासे दीआं मजाक दीआं सारा कुछ, उन्हां तुहाडी बॉडी हल्की हुंदी आ। सच्ची गल, नहीं तो बंदा ना अंदर अंदर ही लैके ना अपनी गल्लां, हाँ नहीं बैठे रहना बीमार होगा। जी जी जी। कैंसर की है? हाँ स्ट्रेस, स्ट्रेस, हाँ जी, जिहड़ी कैंसर चीज हुंदी है ना वो स्ट्रेस नाल हुंदी है। जी 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 जी। बड़ियां बीमारियां स्ट्रेस नाल हुंदियां। जी 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 जी। ते जे तुसी ना हसदे खेडदे रहने हो, इंडिया च ना क्लब बने है खुश रहने वास्ते, बने बने किन्ना बने है ना, किन्ना हसदे उत्थे, ओह कहंदे ओह शरीर दे अंदरली एक्सरसाइज है। हां बिल्कुल, अमेरिका च बहुत बने है, मैं देखे एक वारी, अच्छा, ओथे सौंदे आ, हसांदे आ, सौंदे आ, कॉमेडियन आउंदे आ, ओह गल्लां करके तुहानू सौंदे आ। हाँ जी, वो मैं उत्थे गया एक बारी, तो वो इंग्लिश ही, तो नाले मैं वो मेरी तो इंग्लिश इन्नी हाई नहीं गई, तो मैं नाल दे बंदे नूं बिठा लिया, वो इन्ने मजाक सुनावे ना वह अपना मल, अपना मल गोरा, तो उत्थे वेला बजुर्ग बैठे। अच्छा, नाल फिर माइंड भी नहीं करते कई सुनने वाले, मेरी तो ऐसे करके है भी कोई माइंड नहीं करते। नहीं नहीं, वो तो यह जे मल चुटकुले सुनाते ना भी बहुत हादसे वाले। That's good, that's good. जी जी। हाँ जी, मैं पता है तुसी परगन साहब बड़े ट्रेडिशनल गीत भी गाने हो, है ना? हाँ, ट्रेडिशनल देखो। ते जदों तुसी अपने प्रोग्राम करन जाने हो, स्टेज से किस तरह के गीत थोनू फरमाइशा आंदी है, किस तरह के गीत थोड़े गाए जाते हैं? देखो जी, मैनू तो खास करके एवं मैं उठ मारा, मैं क्योंकि मैं जिन्या सरीजा लाना ना, मेरे अपने गाने 85 रिकॉर्ड होए आ, वो सारे तो मशहूर नहीं गए, वो मेरे गीत 10-12 मशहूर आ जिहड़े आम लोग जानते हैं, बाकी मैं तो फिर इदा भी मिक्स मसाला गाँवना। अच्छा। मैं यार चलो कोई नहीं, जरूरी थोड़ा अज भी अपने सुनाने, अज भी अपना मनोरंजन कर रहे हैं, समझो मैं स्टेज से हां, जो इंसान इतने आके बैठ जाता है ना, यह भी स्टेज है, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, ये स्टेज है, इससे आप दर्शाते हैं कि तुसी जिंदगी च की कर रहे हो, तुसी अपने ग्रुप नाल की कर रहे हो, तुसी अपने सोलो की कर रहे हो। जी जी जी। मैं कैटरिंग शो करन गया ही, ते उत्थे ना शो करदे करदे मुंडा कीबोर्ड ते मैंने विजय ही, ते उत्थों अपने इधरले बॉर्न बच्चे आ गए, कहिंदे अंकल जी तुसी जिहड़े बड़े मशहूर गाने तुसी धुनांदे आ, मैं कहिंदा किन्ने सुनने आ, कहिंदे जिन्ने मर्जी, मैं 5 गाने सुनाए। अच्छा, केड़े सुनाए? ओ जट 24 कैरेट दा, ओ जट 24 कैरेट दा, जटिए जट च खोट ना कोई,
ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਖ ਲਵੀ ਜੱਟੀਏ ਜੱਟ ਚ ਖੋਟ ਨਾ ਕੋਈ ਜੱਟ 24 ਕੈਰਟ ਦਾ ਜੱਟੀਏ ਜੱਟ ਚ ਖੋਟ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਲਵਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਤੇ ਜੱਟ ਸੈਂਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਤਕਲੇ ਬੈਡ ਲੀਜੇ ਜੱਟ ਐਂਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਲਵਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਤੇ ਜੱਟ ਸੈਂਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਤਕਲੇ ਬੈਡ ਲੀਜੇ ਜੱਟ ਐਂਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਬਦਲੇ ਵਿਕ ਜਾਵੇ ਕਿਸ ਬਦਲੇ ਵਿਕ ਜਾਵੇ ਕਦੇ ਛੱਪਣਾ ਨੋਟ ਨਾ ਕੋਈ ਜੱਟ 24 ਕੈਰਟ ਦਾ ਜੱਟੀਏ ਜੱਟ ਚ ਖੋਟ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾ ਬੋਲੀ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਜੱਟੀ ਨੱਚਦੀ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਪਾ ਬੋਲੀ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਜੱਟੀ ਨੱਚਦੀ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਦੇ ਬਾਹੂ ਰੰਗਲਾ ਚੂੜਾ ਛਣ ਕੇ ਪਾ ਬੋਲੀ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਜੱਟੀ ਨੱਚਦੀ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਪਾ ਬੋਲੀ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਜੱਟੀ ਨੱਚਦੀ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਢੋਲਕੀ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਕੈਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਤਾਲਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਤੀਨ ਤਾਲ ਏਕ ਤਾਲ ਦਾਦਰਾ ਜਪ ਤਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਹਿਰਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਮਾਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਰਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਨਾ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਾਂਗੀ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਯੂਨੋ ਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਸਿੱਖੀਆਂ ਕਾਲਜ ਮੇਰਾ ਵੋਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੋ ਗਾਉਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਹਾਂ ਪਰ ਕਈ ਸਿੰਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਪੈ ਗਈ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਾਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਂਝ ਘਰ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗਾਣ ਦਾ ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸੰਗੀਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਗਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਣਾ ਉਹੀ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਨਹੀਂ 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 ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਆ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਲਾਗੇ ਮਮਸਤੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਅਖਾੜਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਚੌਂਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਫੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਖਾਲੋ ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸੁਣ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕਣਾ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕਈ ਆਵਾਜ਼ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਈ ਆਵਾਜ਼ ਢਿੱਡ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ 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 ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸੱਚੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਓ ਪਰ ਇਹ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਚੱਲਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਨਾ ਬੜੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੋਪਿਕਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਟੋਪਿਕ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ ਧੀ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਯੂਨੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਿੰਗਿੰਗ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੇਸਿਕ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਫੋਕ ਹੀ ਗਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੇ ਅਗਰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਿੱਖੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੀ ਪੱਕੀ ਫਿਰ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲਾ ਫੋਕ ਹੀ ਗਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਸਿਕ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੇਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
थोड़ी आवाज देखो किन्ना बेस है नहीं, नहीं, थोड़े ना मैं दसा थोड़ा जेड़ा चलना चली जा रहा ना थोड़ी आवाज दी बेस करके ही बहुत खूबसूरती आ जाती है। मैं कहना गीता ने विच मैं कहना जगदीप जी तुम इन्ने खुश होंगे, मेरा परिवार ही मैनू परमात्मा ने इन्ना वधिया दिता, मेरा एक रूम बनाया तो मैं मेरी नौ घर रही मुंडा भी मेरी घर वाली चार जने रही। मैं देख लो भी मैनू कभी ना रुक मैनू इको कहा कि 9 बजे तक तुम गाँवना उस तो बाद सौना सवेरे काम देना 4 बजे तुम देख लो। पहला मैं थलड़िया सुरां दे रियाज करदा करके फिर मैं एक शब्द गाँवना हारमोनीयम ना फिर शब्द गा के तुम ला लो भी पहले काले की किन्नी आवाज होंगी पहले काले जो पहला काला लीने मैं पहले काले से 2 गाने गाने वो आवाज जे कि मैं बहर गाव तो मेरा हाल मेलते जाओ वो मेरी आवाज मेरे नौ न सुनती है मेरी वाइफ नहीं सुनती है मैं 2 गाने गा के फिर मुड़ के थले आ जाना। डे टाइम कर लिया जरूरी रात में करना नहीं नहीं डे टाइम फिर मेरी जी सा नौ वो घर काम करती फिर इन्ना चमक होता नहीं पर वर्किंग फ्रॉम होम होनी सत्ते दिन गाना मैं वेरी गुड रियाज करनी चाहिए है। हाँ जी क्योंकि कई सिंगर ना रियाज नहीं करते वो कहते जो अभी गाने जाने ना वो सारी रियाज ही है नहीं 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 दैट्स नॉट ऑन नहीं वो नहीं वो तो एक होर चीज हो जाती है रियाज होर चीज वो पता कि फिर उत्थे कनु रह जाते उन्होंने फिर भी लगता कि असं बहुत सोहना गाने जेडे रियाज नहीं ना करते उत्थे कनु रह के ना उन्होंने लगता भी स्टिल वी आर सिंगिंग वेरी वैल कोई कवे ना कवे उन्होंने अपने दिल च है कि भी वी सिंग वेरी वैल। हाँ नहीं नहीं वो तो जगदीप जी जो संगीत है ना बहुत बरीक है इन्ना सौखा नहीं गा मैं हम पैके देखिया च ये समुंदर है बिल्कुल जिन्ना सीखी चलो थोड़ी उन्नी थोड़े ना सुरां दे विच शिंगार आंदा है निखार आंदा है थोड़े विच जिन्ना तुसी सीखी चलो। हाँ जी होर की सुनान जा रहे हो। गज टुट गया दर जी दा नवे टपे गज टुट गया दर जी दा ना साडा घर बनिया ना माया मर जी दा ना साडा घर बनिया ना माया मर जी दा आलू मटर पकाए हुए ने आलू मटर पकाए हुए ने वो साडे नालों बटन चंगे जेड़े सीने नाल लाए हुए ने वो साडे नालों बटन चंगे जेड़े सीने नाल लाए हुए ने लाल सूट न पाया करो लाल सूट न पाया करो ओ नजरां तों बच के रहो तुसी बाहर न जाया करो ओ नजरां तों बच के रहो तुसी बाहर न जाया करो असी मजियां विचारांगे असी मजियां विचारांगे ओ तुसी सानू हुक्म करो असी मक्खियां भी मारांगे रोटी उत्ते कीमा ए रोटी उत्ते कीमा ए ओ तुसी भावे सड़दे रहो साडा परसों वली माए तुसी भावे सड़दे रहो साडा परसों वली माए। क्या बात है क्या बात है। दोस्तों परगन जी ने टप्पे माइया और कुछ भी चीज़ इन्होंने ट्रेडिशनली गाए है कोई मिर्जा साहिबा कोई हीर रांझा और बोलियाँ नानकिया मेल दादका मेल यू नेम इट इन्होंने ऑल दो नानका मेल च एक बार इन्होंने मेरी आवाज़ भी यूज कर ली सी मेरे तो चोरी चोरी बिल्कुल बिल्कुल ओके मैं इन्होंने कहा मैं क्या भी ये जो इन्होंने गीत गाया नानका मेल ये मेरी आवाज़ कितों आ गई मैं तो गई भी नहीं फिर इन्होंने दसिया कहते जी बस तैन फोन करते सी तू मिली नहीं कहते असं आवाज़ पा ली बिच्ची तुम इन्ना फोन किया ना बहुत ज़्यादा अच्छा जो उ अपना टॉम टॉम कहता
जगदीर की आवाज है लभ ली छिंदे फट कर मैं ना मैं क्या मैं तो गई भी नहीं सी रिकॉर्डिंग वेले ये कितों आ गई मेरी आवाज़ सॉरी तो फिर तुम दस्या मैं क्या टॉम इज़ वेरी नाइस परसन वेरी नाइस परसन देख लो गोरा है और किन्ने अपने गीत रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इन्नी नॉलेज होगी ना यू नो इट्स गुड कि अच्छा कई जो ना होम ऑफिस काम करते ना इतने तुम्हें पता है परगन जी उन्होंने सारिया लैंग्वेज सीखनिया पैंती है डू यू नो दैट कि जेडे इतने होम ऑफिस काम करते कई बार आप लगता भी ये तो गोरा है बड़ा साडा पता होना उन्होंने सारिया लैंग्वेज आती मेरा एक बार किसी काम से ना मीटिंग से वाह पिया किसी ना अच्छा तो उन्होंने चाह बनानी सी तो दुध थोड़ा सी मैं उन्होंने पंजाबी कहता कि तुसी ना इनू चाह दे दो मेरा रहन दो जो दुध नहीं है वो कहता मैं भी नहीं पीनी मैं क्या व्हाट यू नो मतलब कि आप ना समझिए किसी भी ये गोरे आंदा नहीं होना चाहिए इस नहीं आता हूँ माइंड यू आप बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आप अगे की लफज कह रहे बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग मैं थोड़ा अपने एग्जाम्पल दस कि मैं क्या भी मैं नहीं चाह रहा मेरी रहन दो इनू दे दो दुध थोड़ा तो वह कहता फिर मैं भी नहीं पीनी सो यू नो ये लैंग्वेज तो गल आप कर रहे हैं आपू हरेक की लैंग्वेज का सत्कार करना चाहिए हरेक दे फेथ दा अपन सत्कार करना चाहिए यू नो चाहे कोई पत्थर नू पूछदा है ना अपन ओदा भी सत्कार ना करना चाहिए ओदी अपनी मर्जी है सारे नू सब दी अपनी मर्जी है जिन्ने जगदीप जी लोकी कोई भी किसी नू मानदा सारे दा सत्कार करो किसी नू आर्गुमेंट ना करो तू आ क्यों करदा ऐ क्यों करदा जिथे कोई लगा जे थोड़ा कोई नुकसान नहीं थोड़ा ओनू लगे रहन दो मैं कि ना तुहानू कहण दा हक ही नहीं गा अगले दी तुसीं अगले दी दिल नू मठेस पहुंचाउने आ जिथे कोई लगा ये तो जो करता है ना उन्हें सोचना चाहिए कि मैं की कर रहा जी 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 यू नो कदे जिंदगी ऐसा कोई काम ना करे जो थोड़ा दिल खुश हो किसी का नुकसान हो कदे ना दिल च कदे कहो कि भी मेरा ठीक है काम मैनू एदी खादी कड़ी नो नहीं नहीं पता नहीं कहते ना मुड़ तिड़के थोड़े वाल सूई आ जाती है ਇਹ ਸੂਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸੂਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਵੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਭਾਈ ਸੰਭਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਮਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਟੈਲ ਥੈਮ ਕਿ ਡੋਨਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਆਈ ਡੋਨਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਜੀ 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 ਯੂ ਨੋ ਐਨੀਵੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਬਾਲੀ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਾਇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਬੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਢੇਰ ਲਾ ਆਂਦਾ ਬੋਲੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਫੇ ਨਵੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਅੱਛਾ ਨੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲੀ ਨੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਵਾਲੀ ਨੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੋਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਗਏ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੁਨੇ ਘਰ ਸੁਨੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚੰਦਰੀ ਲੈ ਗਈ ਛਾਂਟ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੰਦੇਰੀ ਲੈ ਗਈ ਛਾਂਟ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚੰਦੇਰੀ ਲੈ ਗਈ ਛਾਂਟ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੰਡ ਕਿਉਂ ਕੱਢਾਂ ਕੁੰਡ ਕਿਉਂ ਕੱਢਾਂ ਟੌਰ ਕੱਢੂਗੀ ਪੂਰੀ ਕੁੰਡ ਕਿਉਂ ਕੱਢਾਂ ਕੁੰਡ ਕਿਉਂ ਕੱਢਾਂ ਟੌਰ ਕੱਢੂਗੀ ਪੂਰੀ ਭਾਵੇਂ ਤੱਤੇ ਬੁੱਲ ਕੱਢ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਮੱਟ ਲੈ ਕੂਰੀ ਪੂਰੀ ਤੈਨੂੰ ਇਜੇ ਦਊਂਗੀ ਤੋਂਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਹਿਣੀ ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਉਹ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਕੋਟੀ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਕੋਟੀ ਮੈਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਮਨੂ ਮਾਈਆ ਤੂੰ ਪਕਾਵੀਂ ਰੋਟੀ ਖਬਰਦਾਰ ਜਿਸ ਨੈਬ ਚੇੜ ਤੇ ਪਾਈ ਸਟੋਰੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਸਾਫ਼ ਰਸੋਈ ਨੀ ਮੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਸਾਫ਼ ਰਸੋਈ ਨੀ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਸਾਫ਼ ਰਸੋਈ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਈਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਬੋਲੀਆਂ ਕੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਕੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਬੋਲੀਆਂ ਕੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹੈ
ਦੇਖੋ ਜੇ ਨਾ ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਵੇਖੀਏ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਆ ਪਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ ਨੀ ਜੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਵੇਸਣ ਵੇਸਣ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਟੇਸ਼ਣ ਲੁਕਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਓਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਰੜੇ ਪੰਬੀਰੀ ਬੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਰੜੇ ਪੰਬੀਰੀ ਬੋਲੇ ਦਾਦਕੀਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਸੂਜੀ ਸੂਜੀ ਖਾ ਕੇ ਜੰਮੇ ਮੂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੀ ਰੜੇ ਪੰਬੀਰੀ ਬੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੀ ਰੜੇ ਪੰਬੀਰੀ ਬੋਲੇ ਹਰੇ ਗਈਆਂ ਨੀ ਨਾਨਕੀਓ ਹਰੇ ਗਈਆਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਨੀ ਦਾਦਕੀਓ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਨੀ ਨਾਨਕੀਓ ਉਦੜ ਗਈਆਂ ਹਰੇ ਗਈਆਂ ਨੀ ਨਾਨਕੀਓ ਹਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਘੁੱਗੀਆਂ ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੋ ਕੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਚੱਲੇ ਉਹ ਲੈ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਰੌਣ ਕਾਲੋ ਕੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ 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 ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਚੱਲੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਗਾਣਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਦੇ ਦਿਓ ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਮੋਮੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਭੋਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਬੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕਹਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਗਿੱਧੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾ ਉਹ ਡੌਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਡੌਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੀ ਡਸਨਟ ਮਾਈਂਡ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਚੱਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਡੌਨ ਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸੱਚ ਏ ਗ੍ਰੇਟ ਪਰਸਨ ਸੋ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਆਰ ਗ੍ਰੇਟ ਯੂ ਨੋ ਸੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮਸਾਲਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਾਪੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਮੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇ ਹੀ ਦਿਓ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੂਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਕਹੀ ਰਹੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਓ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਤਾਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖੀਰਲਾ ਬਸ ਇਹ ਆ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ ਗਾ ਲਓ ਫਿਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਲਓ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਧੂਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਧੂਰੀ ਤੇਰੀ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰੀ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਛੰਨੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰੀ ਛੰਨੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰੀ ਤਕਦੀਰ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੀਰ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੀਰ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਧੂਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਧੂਰੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਡੋਲੀ ਵੇਲੇ ਰੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਡੋਲੀ ਵੇਲੇ ਰੋਈ ਰੋਣਾ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੀਰ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੀਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਹੋਗੇ ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਮਿਲਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਅਖੀਰਲਾ ਅਖੀਰਲਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆਰ ਹਾਂਜੀ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਕੀ ਖਾਈਏ ਭਾਵੇਂ ਖਾਈਏ ਨਾਲ ਆਚਾਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਰੇ ਕਰਿਓ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਤੂੰ ਸਭ ਤੇ ਰੱਬਾ ਸਾਡੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਹ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਸਾਰੋ ਨਾ
रब दियां रहमतां नूं लोको कुखां विच मारो ना। परगम पंडाल वालों प्यार भरी निघी सति श्री अकाल। कांशी टैलीविजन दे सारी मैनेजमेंट कमेटी का धन्नवादियां जगदीप जी तुहाडा जिन्हां ने इन माणिए कलाकार नूं प्यार सत्कार बख्शिया। थैंक यू। जय गुरदेव। जय गुरदेव। लो दोस्तों, शुक्रिया अदा करांगे असीं परगम पंडाल जी दा जिन्हां ने बहुत ही खूबसूरत अल्फाजा नाल गीतां नाल तुहानूं बड़ी शिक्षावां भी दित्तियां और अपना गीत संगीत भी सुनाया। अगले ट्यूसडे शामिल होवांगे थोड़े नाल कंपीटिशन प्रोग्राम लैके जिसके भी साढ़े साथ देनगे मनराज जी अगले हफ्ते देंगे। और सबनों प्यार भरी सत श्री अकाल। जय गुरुदेव। सत श्री अकाल। जय गुरुदेव।